गुरुग्राम का धनकोट इलाका। सफेद और नीले कुर्ते में दो महिलाएं एक शोरूम में दाखिल होती हैं। इनके अंदर जाने के कुछ देर बाद तीन और महिलाएं सड़क किनारे से पंख क्रिएशन नाम के शोरूम में घुसती हैं। बेहद साधारण सी दिखने वाली ये महिलाएं काउंटर पर पहुंचकर सेल्स गर्ल से कपड़े दिखाने के लिए कहती हैं और पसंद करते करते काउंटर पर कपड़ों का ढेर लगवा लेती हैं। इस बीच हरा कुर्ता और सफेद दुपट्टा ओढ़े एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर पीछे पड़े सोफे पर बैठ जाती है। महिला ने बच्चे को एक बड़े चादर से ढक रखा था। इसके बाद शुरू होता है इन साधारण सी दिखने वाली महिलाओं का शातिर खेल। गौर से देखिए, काउंटर पर कपड़ों का अंबार लगा है। तीन महिलाओं ने सेल्स गर्ल्स को पूरी तरह से काम में व्यस्त कर दिया है। इस बीच बड़े ही शातिराना तरीके से बीच में खड़ी महिला, जो कि दुपट्टे से अपना मुंह छिपाने की कोशिश भी कर रही है, एक बड़ा सा कपड़ा देखने के बहाने फैला देती है, जिसकी आड़ में दूसरी महिला ढेर सारे कपड़े पीछे बैठी महिला की ओर खिसका देती है और तीसरी महिला चादर में सारे कपड़े छिपा लेती है। और इसी तरह से दो तीन बार ये महिलाएं कपड़ों के गट्ठर बड़ी ही आसानी से पार कर लेती हैं। ज्यादा से ज्यादा कपड़े छिपाने के बाद बच्चे वाली महिला धीरे से उठती है, बच्चे की आड़ में कपड़ों को अच्छे से छिपाती है और बाहर निकल जाती है। एक एक करके इन चोरनियों ने 1,00,000 रुपए के कपड़े पार कर दिए। चोरी की भनक लगने पर सीसीटीवी तस्वीरें खंगाली गईं तो सब हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से इन चोरनियों की पहचान में जुटी है।